हमें लीडर्स की जरूरत है, हमें और एक मौलाना अबुल कलाम आजाद की जरूरत है, हमें और एक सर सैयद की जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है जब इसे छोटे से गांव में आज से 70 साल पहले एक छोटा सा लड़का पढ़ाई मदरसे में किया है, 4 किलोमीटर दूर जाकर हाई स्कूल किया है, और वही बंदा हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ शिबली कॉलेज में 12th में 99 मार्क्स तारिक अजीम साहब को आए हैं। वो हिंदुस्तान के जबरदस्त कॉलेज चेन्नई में जाकर IIT उन्होंने किया है। जब ये कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है इसी फतवुदिया में, यही आजमगढ़ से और हजार तारिक आजम पैदा होंगे इंशाअल्लाह। मैं इनकी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करता हूँ कि ये पेट्रोना टावर्स के फाउंडेशन में इनका कंट्रीब्यूशन है, मैं रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि ही इज गिविंग बैक टू द सॉइल, ही इज गिविंग बैक टू हिज होम, हिज विलेज। पिछले 3 महीने से ये यहीं पर है, और सबसे पहले फतवुदिया में हेरा पब्लिक स्कूल में जागने वाला कोई इंसान है तो वो तारिक आजम साहब है। मैंने इनको बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, ये क्लास में जाके पढ़ाते हैं, ये बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टीचर से मैथ के क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या क्या नहीं करते हैं मुझसे पूछिए, हर काम मैंने तारिक आजम साहब को करते हुए देखा। आपके एनर्जी को सलाम, आपके कमिटमेंट को सलाम, आपके कंपैशन को सलाम, आपके पैशन को सलाम। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको 100 साल उम्र दें और सेहत अच्छी रहे, और ये जो ख्वाब आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह ये ख्वाब पूरा होगा तालिमाबाद का। इमेजिन करो बच्चों फतवुदिया के, आप 2-2 लाख तनख्वाह अकले हलाल की कमा कर अपनी माँ के हाथ में दोगे, अपने बाप के हाथ में दोगे, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे इसी रुई जमीन पर उन्हें जन्नत मिली है। वो खुशियाँ हमें देना है अपने वालिदैन को, अकले हलाल की कमाई, और बहुत ही बेहतरीन कंपनीज में, जैसे यहाँ जूनियर तारिक साहब CEO एज ए जज यहाँ बैठे हैं, बहुत ही खामोश मिजाज रखते हैं, नाम तक ना लेने को कहा उन्होंने, लेकिन मैं मजबूर था आपकी तारीफ करने में। यू डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, इनके लिए खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दें। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ जूनियर तारिक साहब, यू हैव टू गिव योर ब्लड एंड स्वेट टू फतवुदिया, इस मशन को आप चलाइए, मैं आपके साथ हूँ, हमारी टीम आपके साथ में है, यहाँ जितने लोग हैं इंशाल्लाह आपके साथ में है। मैं वो आंसुओं को देखा, स्पीच में रुक गए थे वो, शायद मैं नहीं देख पाऊंगा तालिमाबाद, लेकिन बच्चे कामयाब होंगे। मैं अल्लाह से आपकी हयात की भीख मांगता हूँ, अल्लाह वो दिन आपको दिखाए, तालिमाबाद बने और लोग भी आबाद हो जाए यहाँ से। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप खतर में रहते हो, आई वॉन्ट यू टू कम वेरी फ्रीक्वेंटली। इस अलोन भतीजे हैं, टीचर्स हैं, लेकिन उनके लिए आप जैसा एक काबिल नौजवान, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक विजनरी नौजवान चुनना बहुत जरूरी है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू दैट यू विल बिल्ड अप दिस टीम एंड इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स यू वुड स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। जो तालिमाबाद का प्रोजेक्ट है, वो ख्वाब देखते हैं जहीर साहब, 25 छोटे छोटे जेनी स्टार्स के स्कूल्स डाले, और 3rd, 4th, 6th से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, IITs में रैंक दिलाना चाहता हूँ, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाना चाहता हूँ। यहाँ से अच्छे बच्चे अलीगढ़ जा रहे हैं। तारिक आजम साहब, मैं कहता हूँ अगर आपका तालिमाबाद कामयाब हो जाएगा एक दिन, हमें अलीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी फतवुदिया में कई सारे बच्चे आकर यहाँ पढ़ेंगे। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तारिक आजम साहब हू हैज सीन दिस ड्रीम टुडे। And we are ready to help you. I am with you. I am for you. And we will give our blood and sweat to you, inshallah. World ko main appeal karunga is video ke zariye se ki Talimabad ke liye aapka contribution chahiye. Agar yahi baithe hue log aaj hi elan kar de ki meri taraf se ye contribution hai, to main bahut khush ho jaunga. Aur yahan se main elan karta hu, 1 lakh rupaye main Talimabad ke liye present karta hu sir. Aur अल्लाह मुझे नवाजे, मैं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह। आप भी अशरफ साहब 1 लाख रुपए तालिमाबाद को देना चाहते हैं। महफूज भाई कहीं चले गए शायद, बड़े दिल वाले। महफूज भाई कुछ बोले जी, जी आपकी तरफ से भी 1 लाख। मैं मनोहर जमा साहब के कहने पे और तारिक साहब के ये तालिमाबाद का जो प्लान देखने के बाद
मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं भी 1,00,000 रुपए का हदिया इसको दूं। एहसान साहब है वो भी तालिमाबाद के लिए 1,00,000 रुपए का ऐलान किए हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, उजल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तमद्दुन अपनी खुल्ला पे आई ने जहादारी, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का कहवारा। तमद्दुन अपनी खुल्ला पे आई ने जहादारी, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का कहवारा। वो सहराए अरब यानी शतरबानों का कहवारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, उजल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, उजल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। गदाई में भी वो अल्लाह हवाले थे गयूर इतने, कि मुन्नम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। गदाई में भी वो अल्लाह हवाले थे गयूर इतने, कि मुन्नम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। कि मुन्नम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, उजल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। मरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरानशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहारा। फर्ज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरानशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहारा। जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला
ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے